किसी भी त्यौहार या व्रत के दौरान हिंदू धर्म में मांस को हाथ लगाना भी पाप माना जाता है। हिंदू धर्म में इस दौरान लहसुन प्याज तक नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर बात बंगालियों की जाए तो दुर्गा पूजा जैसे पावन त्यौहार में उनके यहाँ नॉनवेज खाना जरूरी माना जाता है। इस दौरान बंगाली लोगों में नॉनवेज खाना एक रिवाज है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है ये रिवाज और हिंदू होने के बावजूद भी बंगालियों में क्यों अलग है ये रिवाज। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों आपको बता दें, बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए माँ दुर्गा को मांस की बलि चढ़ाई जाती है, फिर उसे पकाकर खाया जाता है। इसके पीछे आस्था है कि शारदीय नवरात्र की दुर्गा पूजा के दौरान देवी माँ खुद अपने बच्चों के साथ उनके घर में रहने आती है और उनके घर पर ही उनके साथ कुछ दिन गुजारती है। इस कारण ही बंगाली लोग माँ दुर्गा के लिए वो सारे पकवान बनाते हैं जो वो खुद खाते हैं। इनमें मिठाइयों से लेकर मांस मछली तक शामिल होते हैं। बंगाली रिवाज के मुताबिक दुर्गा पूजा में विवाहित महिलाओं समेत सभी लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, लेकिन विधवा महिलाओं को इस दिन सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। उनके लिए किसी भी तरह का नॉनवेज खाना परहेज होता है। ब्राह्मण भी दुर्गा पूजा के दौरान मांस मछली का सेवन करते हैं। लोक कथाओं के मुताबिक वैदिक काल में हिमालयन जनजाति और हिमालय के आसपास रहने वाले समुदाय के लोग देवी की पूजा आराधना करते थे। वे लोग मानते थे कि दुर्गा माँ और चंडिका देवी शराब और मांस की शौकीन होती हैं, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए मांस और मदिरा अर्पित करना जरूरी होता है। इस कारण ही वे मांस और मदिरा माँ को भोग में चढ़ाते थे और खुद भी ग्रहण करते थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली हैं। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।